रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहित समाज से लेकर केदार घाटी के व्यापारियों और स्थानीय जनता ने इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं युवा सामाजिक कार्यकर्ता पवन राणा ने कहा कि शासन प्रशासन गढ़वाल क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रहा है। वहीं इसके साथ संतों ने भी आपत्ति जताई है। नीरज कंडारी की रिपोर्ट। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग, उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद करें, लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है, तो वो जैसे अपराध माना जाता है, उसी तरह का ये कार्य है, ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में, शिवपुराण आदि में, जहां पर ये बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है, तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा, इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की दृष्टि वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए, किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आप आराधना करिए। वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। यह अनादि काल से स्थित दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ किसी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमें तो विश्वास ही नहीं आ रहे धामी जी इस प्रकार से कर रहे हैं। जो बाबा केदारनाथ का मंदिर है आप दिल्ली में बनाओगे, हमारे मतलब महाकाल को आप दिल्ली में ले जा रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बार केदारनाथ में जो भी यात्रा रहे बिल्कुल ठप रही। आपने जो चारों धाम की यात्रा है उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे कैंची मंदिर भेज रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर धामी जी इसी प्रकार अगर गढ़वाल के साथ भेदभाव करते रहे तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब धामी जी बहुत गलत कर रहे हैं, इसका हम पूर्ण रूप से अभी विरोध करेंगे अभी आने वाले समय कर। हाँ, एक और हमारे केदारनाथ विधानसभा और सेटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहाँ मौजूद था और धामी जी वहाँ आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम
ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे। लेकिन सरकार हमको 2013 से बड़े विवश कर रही है, हमको बार बार हमको बिठा रही है और बार बार उठा रही है। कौन सी सरकार हमारी ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो हमको बार बार जब विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इसी का है कि हमारे हिंदुस्तान में चार धाम